हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 24 जनवरी का द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे इस कलरफुल पिक्चर के साथ जो हमारी रिपब्लिक डे परेड की एक पिक्चर है, जहां पे रिहर्सल चल रहा है और आप सब देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी इसमें हैं। तो इस बार बीएसएफ के पहले जत्थे में महिलाओं का भी एक जत्था होगा और ये काफी कलरफुल पिक्चर है और हम सबको इंस्पिरेशन देती है इस बात की कि हम सभी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट हैं दिन रात मेहनत करते हैं कहीं पहुंचने के लिए। और मेरी आशा है कि आप सब भी वहां तक पहुंचे और देश के लिए सेवा कर सकें और जो चीज आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करें। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इस पिक्चर ऑफ द डे के साथ हम शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। पहला न्यूज है हमारा 21st या 21 अंडमान आइलैंड्स के जो नाम है वो परमवीर चक्र जो इस बार दिए गए अवॉर्डीज उनके नाम पे रखे गए हैं। उनमें से जो एक द्वीप है उसका नाम नेताजी के नाम पे रखा गया है। वहां पे एक मेमोरियल भी डेडिकेट किया गया नेताजी को। और हम सब जानते हैं कि ये कल का दिन जो था वो 126वां पराक्रम दिवस था जो नेताजी के जन्म दिवस में मनाया जाता है। और ध्यान दीजिए कि जो 21 जो ये जो ग्रुप है द्वीपों का समूह है उसे कहते हैं जो अंडमान निकोबार के जो आर्किपेलागो है, मतलब जो आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो उनके जो जिनको नाम नहीं दिया गया था उनको इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। एक बहुत बड़ा सम्मान है अपने आप में और ये परमवीर चक्र ही एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो इन सबको दिया गया। नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ मैसेज है इन सभी के लिए, जिसमें से जो इन 21 जो आइलैंड है द्वीप समूह है इनके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब हमारे जो आर्म फोर्सेस का जो मैसेज है वो है कि जो ब्रेवरी के ऊपर है कि एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। और सभी के नाम भी मैंशन किए गए और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से इसको इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और उसके साथ उन्होंने अब पोल स्टार इन हिस्ट्री इंडियाज हिस्ट्री जो उन्होंने नेताजी का कंट्रीब्यूशन था उसको पोल स्टार के नाम से भी दिया। पोल स्टार का मतलब नॉर्थ स्टार होता है, हमेशा एक ही दिशा में निकलता है और दिशा का ज्ञान देता है। पोल स्टार का मतलब हुआ दिशा का ज्ञान देने वाला। तो जो उनका जो उन्होंने मेहनत करी हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई उसमें नहीं जाते हैं। जो उनका मेहनत का जो स्टेप था जब वो -45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जब वो कोलकाता से बर्लिन उन्होंने ट्रैवल किया और वहां जाके उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए जो उन्होंने मेहनत करी उसको आधार बनाकर ये उनको जो ये डेडिकेट किया गया है ये द्वीप और वहां पे जो मेमोरियल बनेगा वो उनके नाम पे डेडिकेट किया गया है। सो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि ये GS1 के पर्पज से और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। प्री के लिए ज्यादा फैक्चुअल है और ये परमवीर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी फैक्चुअल है तो प्री के लिए इम्पोर्टेंट बनती है। साथ ही साथ अब ये पिक्चर है मुझे एक वेबसाइट से मिली है जो हिंदी न्यूज़पेपर था, उसमें आप देखेंगे कि नाम के आधार पे द्वीपों को टारगेट मतलब की टाइमलाइन किया गया है सबके नामों के आधार पे। तो ये हेल्पफुल है समझने के पर्पज से। और आर्किपेलागो का मतलब होता है एन आर्किपेलागो इज अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स टुगेदर इन अ सी और ओशन। समंदर में एक ग्रुप होता है द्वीपों का उसको कहते हैं। तो ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार क्या आर्किपेलागो है? जी हाँ, वो आर्किपेलागो है। वहां 21 द्वीपों का वो समूह है। ठीक है, ओके आगे आते हैं। जो केरला में नोरो वायरस के इन्फेक्शन स्प्रेड मिला है और वहां पे पहले भी इसकी न्यूज आ रही थी पर फिलहाल ये फ्रंट पेज पे न्यूज है। तो इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहां पे स्प्रेड ज्यादा है और ये स्प्रेड हुआ है कंटामिनेटेड वाटर और फूड और वाटर के लेने से, मतलब अशुद्ध पानी या भोजन के लेने से ये स्प्रेड हुआ है। और इसके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं उसको बचाने के लिए। एंड इसके सिम्टम क्या है? वॉमिटिंग एंड और डायरिया, हेड एंड बॉडी एक, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसे इसके सिम्टम को बताया है। तो जो वायरस है तो हम सब जानते हैं कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और घातक भी होता है। और वहां पे जो Class 1 और Class 2 के बच्चों में इन्फेक्शन देखा गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है प्री के पर्पज से इम्पोर्टेंट है कि नोरो वायरस कहाँ फैला और किस इसके सिम्टम क्या होते हैं। सो दूषित पानी और भोजन के लेने से फैला और साथ ही साथ इसके सिम्टम है वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक और हेड एंड बॉडी एक। एंड इसके साथ साथ और भी सिम्टम होते हैं पर फिलहाल ये मेजोरिटी में सिम्टम बताए गए हैं। नाउ इसके साथ ही साथ ये समझना जरूरी है कि स्टेट में फैला, तो केरला के कोच्ची में फोर्ट फैला हुआ है और वहां से इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, अभी और इवॉल्व होगी न्यूज है कि अगर और भी चीजें एस्पेक्ट आती हैं। तो समझिए जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोरो वायरस के ही
इसके जो इसको एक्सपैंड करके बताया गया है कि इसमें इसके जो जो इसकी जो लेयर है, जो रेड लेयर है, VP1, VP2, VPG, इसका इतना डिटेल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक पिक्चर रेफरेंस के लिए मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब देखते हैं कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट पे जाने के बाद ये पता चला कि नोरो वायरस का डेफिनेशन क्या है। नोरो वायरस इज अ वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये मेजर सिम्टम है एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन गेट इन्फेक्टेड एंड सिक विद नोरो वायरस। क्या इसे बच्चों में फैल सकता है? नहीं, संक्रमण बड़ों में भी फैल सकता है। और ये अटैक करता है पेट के ऊपर, तभी जो है वॉमिटिंग और डायरिया की सिचुएशन बनती है। नोरो वायरस कॉजेज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस एंड इज ऑफन डिटेक्टेड ऑन क्रूज शिप्स इन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। तो जो ये समझने वाली बात है कि पेट से जुड़ी हुई बीमारी है और उसके टाइप है, पहले ये नॉरवॉक लाइक वायरस था, इसका पहले जो नाम था, और अब ये नेम था 1968 के आउटब्रेक जो ओहायो में फैला था उसके नाम पे इसका नाम था, जिसका नाम था नॉरवॉक लाइक वायरस। ध्यान दीजिएगा, 1968 में स्प्रेड हुआ था, फिर बाद में इसका नाम नोरो वायरस के नाम से, क्योंकि नॉरवॉक से नोरो वायरस बन गया। नाउ सिम्टम्स इसमें लिखिए, नोजिया, डायरिया, हैवी वॉमिटिंग, स्टोमक क्रैम्स भी होते हैं। और स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू फेसिस, फीसिस, इन्फेक्टेड फूड, वाटर, पर्सन टू पर्सन। फीसिस मतलब जो हमारा मल होता है, उसको उसकी गंदगी से, पानी गंदगी से फैलता है। और इसे कोई अभी तक इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। ये एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, और पर सरकार के हिसाब से जो स्टेप उठाए जाएंगे उससे पता चल सकता है कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। पर ये एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन का मतलब जनरली अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये CDC की वेबसाइट से मिला है, तो आप उसको डबल चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब अगर डेवलप होती है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड से जुड़े हुए सवाल मेंस में आए थे, तो नोरो वायरस का जो एक्सपोजर है या फिर वो कहाँ कहाँ फैला, उसी का क्या कहानी पे तो नहीं है, लेकिन उसका हेल्थ वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारे पॉस्को को लेकर के, कि असम में एक व्यक्ति को बुक किया गया कि इसने 14 साल की गर्ल्स लड़की से महिला बच्ची से शादी का की बात आई है, तो उसमें पॉस्को के अंदर उसको बुक किया गया। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि उसको बुक किया गया, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्चों में शादी करना वैलिड नहीं है लॉ के हिसाब से। पर यहाँ पे ये आर्टिकल कहता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के आधार पर ही सेड एन एवरेज ऑफ 31.8% ऑफ गर्ल्स इन आसाम गेट मैरिड एट द प्रोहिबिटेड एज। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी उम्र में शादी करने से बच्चियों की जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, तो काफी मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस भविष्य में होते हैं। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से डेटा ये इंपॉर्टेंट है। एंड 11.57% ऑफ देम बिकम मदर्स बिफोर अडल्टहुड कंपेयर्ड विद द नेशनल एवरेज ऑफ 23.3। जो ये घटना है, जो जल्दी माँ बनने की जो घटना है, ये मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आती है। तो लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन। हम सब जानते हैं 18 21 साल की उम्र है। नाउ हेल्थ एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द हेल्थ रेट ऑफ मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी इन आसाम प्राइमरली टू चाइल्ड मैरिज विच वॉज वॉरेंटेड द डिसीजन टू पनिश देम पनिश मेन हु मैरी माइनर्स। तो ये जो कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि अगर ये इसको हमें अपने मैटरनल, जिसको हम कहते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन दोनों को अगर हमें बचाना है, तो उस केस में हमें अर्ली जो मैरिज की सिचुएशन को कम करना पड़ेगा। 18 के बाद तो बॉडी इज रेडी टू गो फॉर इट, बट स्टिल अगर इतनी जल्दी शादियां होती रही, जो डेटा कह रहा है, तो ये हमारे मेडिकल कॉन्सिक्वेंसिस को बढ़ाता है। ठीक है ना, उसको ये डेटा आपकी हेल्थ वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और कैबिनेट को इसके लिए डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जो पॉस्को है, इसका आधार ही है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची में के साथ अगर फिजिकल रिलेशन डेवलप किया जाए, तो सेक्सुअल ऑफेंस भी कंसिडर किया जाना चाहिए। सो उस केस से पनिशमेंट को इंटेल या बढ़ाने की बात हुई। एंड मेन मैरिंग गर्ल्स बिटवीन 14 to 18 विल बी बुक्ड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। सो 14 से 18 साल की बच्चियों में शादी करने के लिए पॉस्को के साथ साथ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत भी केस दायर होता है, जिसकी जिसकी जो मिनिमम सेंटेंसिंग है वो 2 साल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो हिजाब के लेकर न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट अब इसको कंसिडर कर रहा है कि जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर करना है अभी उनको, लिस्टिंग स्टूडेंट्स प्ली बिफोर 3 judge bench। वहां पे जो हिजाब को पहनने को लेकर के जो एक कर्नाटका में बहस चल रही है बहुत दिनों से, प्रोटेस्ट मतलब अभी फिलहाल ठंडा पड़ गया था, फिर से शुरू हो गया है,
वो उनका सेक्युलर राइट है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आर्टिकल जो हमारा रिलीजन को लेके जो आर्टिकल आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेक्युलरिज्म को एक बड़ा बड़ा पोजिशन दिया गया है। अपनी स्वेच्छा से आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसी का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं फ्रॉम, और इसी के साथ साथ उसका अटायर भी पहन सकते हैं ऑफकोर्स अपने धर्म के हिसाब से। सो कह रहे हैं कि जो ये अधिकार है इसका हनन हो रहा है, इसे सुप्रीम कोर्ट को इसको सुनवाई करनी चाहिए। और स्कूल मेंटेन फ्रॉम स्टैंड, तो कह रहे हैं कि जस्टिस गुप्ता हैड अपहेल्ड द कर्नाटका प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट और ऑर्डर दैट अपेरेंट सिंबल्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ कैन नॉट बी वॉन्ट टू सेक्युलर स्कूल मेंटेन फ्रॉम स्टेटस फंड्स। ही सेड सेट सेक्युलरिटी मेंट अन यूनिफॉर्मिटी मैनिफेस्टेड बाय द पार्टी पैरिटी अमंग स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म। मतलब वो जो चाहे अपने धर्म के हिसाब से उसको कैरी कर सकते हैं, बट अभी इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। लेट्स सी कि उस पे कोई अभी फ्रेश वर्डिक्ट आएगा तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ना बॉम्बे हाई कोर्ट अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट 32 वीक प्रेगनेंसी। सो अभी तक के जो एमटीपी है चला आ रहा है उसके हिसाब से जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है एक्ट 2021 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से जो अनमैरिड महिलाएं भी अबॉर्शन करा सकती हैं और उसका जेस्टेशनल पीरियड होता है 24 हफ्तों का फॉर रेप सर्वाइवर्स के लिए, बियॉन्ड 20 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मेलिटीज। मतलब अगर आपकी फेटल या आपके बच्चे में कोई दिक्कत है तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। और जेस्टेशनल पीरियड उसका जो होता है 24 हफ्ते रेप सर्वाइवर्स के लिए रखा गया था, और 24 से ज्यादा जो है कोई एबनॉर्मेलिटी है उसके लिए रखा गया है। पर यहाँ इस न्यूज में बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करने की बात बोली, क्योंकि जो जो सिचुएशन थी वो फीटल एबनॉर्मलिटी की थी इसकी वजह से। सो उसको उसके हिसाब से ये जो रूल है वो इसमें तो है नहीं, लेकिन फीटल एबनॉर्मलिटी की सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल होता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो आरएमपी है जो प्रैक्टिशनर है मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए हमको एक, अगर हमको 20 हफ्ते की टर्मिनेशन करनी है प्रेगनेंसी की, ये एमटीपी 2021 कहता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी अगर आपको टर्मिनेट करनी है तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह या एक्सेप्टेंस चाहिए नए वाले एमटीपी के हिसाब से। और अगर आपको 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 2 आरएमपी लगेंगे, परमिशन चाहिए मतलब। और मेडिकल बोर्ड उसके ऊपर अगर आपको जाता है तो मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए आफ्टर 24 मंथ्स और 24 वीक्स के ऊपर। पर अगर किसी भी हालत में कोई इन सब नियमों को फॉलो नहीं किया जाता तो पेनल्टी है, इंप्रिजनमेंट भी है 1 साल का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया कि इसको मेरी डिटेल से मेंशन नहीं है, पर उन्होंने कहा कि फीटल एबनॉर्मलिटी की वजह से इसको डिसीजन दिया गया है कि वो टर्मिनेट कर सकती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में इसको आप कवर कर सकते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या नियम है और क्या चीज हमारे सोशल इश्यूज में कवर की जाती है महिलाओं के लिए। ओके नेक्स्ट है, हमारे प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड दिया 11 बच्चों को जो बाल पुरस्कार है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वो 11 बच्चों को दिया गया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहले शुरुआत में ये नाम इसका नहीं था, इसको 2 अवार्ड्स को मर्ज करके बनाया गया है। तो प्रेजेंट में जो ये अवार्ड है ये ब्रेवरी आर्ट एंड कल्चर इनोवेशन सोशल सर्विसेज और स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, और 1 लाख का सर्टिफिकेशन भी इसके लिए दिया जाता है। साथ ही साथ ये कैटेगरीज को याद रखिए, कैटेगरीज कभी कभी प्री में पूछी जाती है, तो इस ये जो आर्टिकल है प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके 2 भाग हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। और जो पहले ये नाम इसके 2 कैटेगरीज हैं इसको मर्ज करके एक नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, पर प्रेजेंट में इसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2018 में इसका नाम रखा गया और यही अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो 11 बच्चों को अवार्ड दिया गया। तो ये कितने सेक्शंस में दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसका पूरा नाम किया है और ये इसको 2 कौन से पुरस्कार मर्ज किए गए हैं ये भी फैक्चुअल है, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नाउ आइनस वागी जो बहुत न्यूज में है, प्रेम पूछा भी जा सकता है और इसका जीएसटी के पर्पज से भी इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। जो आइनस वागी है 5वां स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसको कमीशन कर दिया गया है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है उसके पहले कमीशन करने की बात थी, तो अब वो न्यूज फाइनल हमारे सामने आ चुकी है। नाउ नेवी चीफ सेज इट इज द 3rd सबमरीन इंडक्टेड इन टू द नेवी इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ 24 मंथ्स में इसको तैयार किया गया है। और 6 सबमरीन है, सॉरी द 6th सबमरीन वाक्शीर इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर टू द नेवी बाय द एंड ऑफ द ईयर। जो वाक्शीर है उसको भी साल के आखिर तक आने की उम्मीद बताई जा रही है।
सो समझने वाली बात क्या है कि ये फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है जिसको कमीशन किया गया इंडियन इंडियन नेवी में. आईएनएस वागीर इज इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरी. और समझने वाली बात है कि जो बाकशीर है वो भी साल के आखिर तक आ जाएगा. इसकी कुछ खास बातें हैं जो हमको समझनी है कि टेक्नोलॉजी के बाकशीर और वागीर की कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आधार है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्री के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बनता है. और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन्स फ्रॉम जर्मन SDW सबमरीन्स, 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एंड द इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत. INS अरिहंत जो है वो हमारा इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है. सो इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप इसको रिटेन करिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. और कुछ जो आपको आर्टिकल में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्वियसली हम जब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं तो हम एक मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, उसे प्रिपेयर करते रहते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ जो चीजें रह जाती हैं वो ये है कि वागीर इज ए कलवरी क्लास सबमरीन. कलवरी क्लास ध्यान रखिए, कलवरी क्लास सबमरीन विच इंक्लूड्स अदर वेसल्स भी इसमें आते हैं, जैसे INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला एंड INS वाक्षी. ये सारे जो है जो सारे ये हमारे वेसल्स हैं, सबमरीन हैं, ये कलवरी क्लास में आते हैं. ये उस आर्टिकल में नहीं, मैंने आपके लिए अलग से एड ऑन किया है. और दीज कलवरी एंड खंडेरी वॉज कम्बर कमीशन इन 2017 एंड 2019. वेला एंड करंज, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि सारे के सारे क्या एक ही सबमरीन में है. यस, ये सारे के सारे एक ही सबमरीन में है. और वागीर हैज नाउ कमीशन एंड वाक्शीर वॉज लॉन्च इन 2022. जो वाक्शीर अभी साल के आखिर तक आएगा और वागीर को 24 महीनों बना करके कमीशन भी कर दिया गया है. नाउ लाइक कलवरी विच मीन्स, कलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क, कलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क. और वागीर हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ सैंड फिश. जो हमारा वागीर है वो सैंड फिश के नाम पे है और ये एक प्रेडेटरी मरीन स्पेशीज है. मतलब प्रेडेटरी का मतलब अटैक करने वाली, दूसरों को, दूसरी जातियों को खाने वाली, वो सैंड फिश के नाम पे इसका नाम रखा गया है. खंडेरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड. और खंडेरी का जो नाम है वो एक आइलैंड के नाम पे रखा गया है, बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी विच प्लेड अ की रोल इन द नेवी, इन हिज नेवी. जो उनके खंडेरी का नाम रखा गया है जो एक आइलैंड के नाम पे है और छत्रपति शिवाजी के द्वारा उसको बनाया गया था. नाउ करंज जो है वो भी एक आइलैंड के नाम पे रखा गया. तो इंपॉर्टेंट क्या है, कलवरी एक टाइगर शार्क का नाम है और ये सारे के सारे टाइप्स हमारे कलवरी सबमरीन के टाइप के टाइप है. और वागीर का नाम एक सैंड फिश, एक प्रेडेटरी मरीन स्पेशीज फिश है सैंड फिश, उसके नाम पे रखा गया है. नाउ नेक्स्ट न्यूज है, माई लेड ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल फेस यूएस वीजा डेडलाइन. ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे वर्कर्स को, स्किल वर्कर्स को ले ऑफ किया गया बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा. तो एक समस्या उनके सामने आ गई है कि उनकी जो यूएस वीजा की डेडलाइन उनके करीब है, उनके पास जॉब नहीं है, उनको ट्रैवल करना है दूसरे देशों में. तो एक समस्या अपने आप में आ पड़ी है कि वो जॉब सर्च करें, कि वो ट्रैवल करें देश में वापस जाने के लिए, क्योंकि वापस जाने के लिए भी जो वीजा को अप्रूव कराना होता है और टाइम टू टाइम टाइम एक्सपेंशन के आधार पे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क के आधार पर और नॉन वर्क के आधार पर. इसके टाइप है जैसे L1A, L1B वीजा, इसके कई सारे टाइप है. और यूजली जो फेमस न्यूज में रहता है वो H1B वीजा रहता है यूजली. इसके बारे में ज्यादा पूछा भी गया है उसका इम्पैक्ट. यहाँ पे जो न्यूज है, समझने वाली बात है कि अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनके पास जॉब नहीं है, वो आगे क्या करेंगे और उनके लिए जो वीजा वाला इश्यू है वो कैसे फिक्स होगा. तो देख लेते हैं कि एक्चुअली वीजा, H1B वीजा क्या है. सो H1B वीजा स्टेटस इज अवेलेबल टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑफर्ड अ टेम्पररी प्रोफेशनल पोजीशन बाय अ US एम्प्लॉयर. US एम्प्लॉयर या फिर US में किसी भी जॉब की एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको H1B वीजा चाहिए टेम्पररी प्रोफेशनल जॉब के लिए, जिसके लिए बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और मतलब हायर एजुकेशन एंड रिक्वायर्ड फॉर अ पोजिशन टू क्वालिफाई H1B स्टेटस. जो वीजा की जो गाइडलाइंस होती हैं उसको पूरा करना जरूरी है. कुछ दिनों पहले ये न्यूज में आया था जब जो US प्रेसिडेंट बाइडन ने H1B को वीजा को बैन जो था उसको ओपन कर दिया था. और इसकी कंसर्न क्या होती है कि H1B वीजा ओपन करने से क्या होता है कि जो चीफ फॉरेन लेबर्स हैं उसकी आने की सुविधा बन जाती है. तो जो उस देश के जो नागरिक होते हैं उनके लिए जो जॉब की पोजीशनिंग या जॉब रिक्रूटमेंट की नंबर्स कम हो जाते हैं. तो इसको लेकर के कंसर्न्स रहती हैं, इसलिए वीजास को ब्लॉक किया, ट्रंप के समय में इसको ब्लॉक कर दिया गया था. और अब जब से बाइडन आए हैं सरकार में तब से उन्होंने इसको ओपन कर दिया है. और बाकी ये जो इंडिया ही नहीं कई देशों से लोग वहां जाते हैं काम करने के लिए, उनके लिए H1B वीजा जरूरी हो जाता है. तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे GST के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और प्री के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट बन जाती है. नाउ जापान ने कहा है कि हम अपने जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है किशिदा,
उन्होंने कहा है कि हम अपनी मिलिट्री बिल्डअप को प्रायोरिटाइज करेंगे और रिवर्स करेंगे लो बर्थ रेट को। इंपॉर्टेंट क्या है, लो बर्थ रेट। अभी आपको याद होगा कि चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है और चाइना जापान के लेवल पे आके खड़ा हो रहा है। तो जापान का लेवल क्या है कि वहां पे वर्क पॉपुलेशन बहुत कम है, वर्क पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एल्डरली पीपल है उनके नंबर ज्यादा है और उनके लिए हेल्थ केयर की सुविधाएं भी ज्यादा मुहैया करानी पड़ती हैं। तो इस चीज को लेके चलते अब जापान कंसर्न हो रहा है कि हमें अपने जो बर्थ नंबर्स है उनको ऊपर लेके जाना है। कुछ समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है रैपिड ग्रोथ। आप इसके शेप को याद रखिए, अगर ये ऐसा है तो रैपिड ग्रोथ में है, अगर ये ट्राइंगल शेप में है तो स्लो ग्रोथ है, अगर ये ऐसे ऐसे ओवल शेप में आधा ओवल बन रहा है तो मतलब स्टेबल है, और अगर नीचे से कम हो रहा है तो इसका मतलब डिक्लाइनिंग पोजिशन आती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड 3 में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट है, इसको मत मिस करिएगा। और ये जो जो एज ग्रुप होता है वो 15 से लेकर के 65 तक की एज ग्रुप को कंसिडर किया जाता है। जापान में जो एज ग्रुप है अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि जो ये यहाँ नीचे वाला जो एज ग्रुप है वो कम हो रहा है और जो ऊपर वाले एज ग्रुप का ट्राइंगल बनता चला जा रहा है। तो ये आप देखिए स्टेबल वाली सिचुएशन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाली एज 35-39 से आप देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो 60 से 64 साल की तक की लोग उम्र है महिलाओं पुरुषों में सबसे ज्यादा है, तो जो ये ट्राइंगल है वो स्टेबल पे बन रहा था। जापान कह रहा है कि मैं स्टेबल पोजिशन से हम लोग उसको चेंज करेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जापान में कितनी क्या पॉपुलेशन है प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट है और पिरामिड भी प्री के पर्पज इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके साथ ही साथ आप देखें कि इंडिया और चाइना का जो डेटा कंपेयर करें, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन नीचे आ गई है, तो आप देखिए कि ये थोड़ा पुराना डेटा है पर फिर भी जो ट्राइंगल जैसा होना चाहिए इस ऐसे शेप में होना चाहिए वो ये नहीं है, ये ओवल शेप ये भी बना रहा है। इसका मतलब आपकी जो वर्क पॉपुलेशन है वो ऊपर की एज में एल्डरली एज में स्टेबल हो रही है और इसीलिए वो भी नीचे गिर रहा है। और इंडिया का जो टारगेट, इंडिया जो 2040 तक 170 मिलियन लोगों के साथ वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ इंडिया चाइना के लेवल से आगे निकल जाएगा, ये ऐसा डेटा कहता है। और हमारे पास सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे जो 25 से 65 साल की उम्र में होंगे, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो 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 ट्राइंगल है वो सबसे ग्रोथ लेवल पे है, जो 30 से लेकर के नीचे 5-9 तक के लेवल पे सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्क पॉपुलेशन मतलब ज्यादा जनदर है। और साथ ही साथ यही जो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, यही जनसंख्या ही ऊपर जाकर के आगे जब अगर जाती है सालों में जब जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जो काम करने वाली जो उम्र है ना वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लोगों को कवर करती है। तो इंडिया क्योंकि पॉपुलेशन में आगे जाने वाला है चाइना से इसी साल में, इसी मतलब 23 और 24 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि चाइना नीचे आ रहा है, तो उस केस में डेमोग्राफिक एज क्या है इंडिया का ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पस ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम समझ लीजिए, कभी कभी डायग्राम्स ऐसे पूछे जाते हैं प्री में भी और मेन्स में भी, आप उनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। एक आर्टिकल था टायर टू को लेकर के, टायर टू सिटीज में इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना चाहिए। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि टायर टू सिटीज में कौन कौन आती है, लुधियाना, जयपुर, पटना, पुणे, ये सब आते हैं। पर समझने की बात क्या है कि डेफिनेशन क्या है टायर वन टायर टू टायर थ्री की, या टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री। सो टीयर वन है 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले 2011 की सेंसिस के आधार पर, टीयर टू में है 50,000 से 99,000 मतलब 1 लाख, और टीयर थ्री है 20 से 50,000। तो ये पॉपुलेशन के आधार पर टीयर वन टू थ्री को काउंट किया जाता है। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है प्री के पर्पज से। और मेन्स में भी आप अर्बन वाले सेक्शन में जब आप अर्बन अर्बनाइजेशन पे सवाल लिखते हैं या पॉपुलेशन पे सवाल लिखते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैप, जो पहले जो हम बुर्किना फासो को आज देखेंगे मैप पे, एक आर्टिकल था पर मुझे लगा ये देखना जरूरी है मैप के आधार पर, क्योंकि न्यूज में भी है और कभी कभी ऐसी स्टेट्स जो होती हैं जो हमें पता नहीं होती कौन सी कंट्रीज है वो तो कभी कभी मैप में पूछ ली जाती हैं। तो बुर्किना फासो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है आप देखेंगे यहाँ पर, और इसको पास से जब देखते हैं तो उसके आसपास के कंट्रीज में आता है माली यहाँ पर, उसके बाद आइवरी कोस्ट, उसके बाद घाना, टोगो लगा हुआ है, बेनिन लगा हुआ है, नाइजर लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे बॉर्डर से लगे हुए देश, और इसके पास इसके बीच में है नकानबे, एक नदी दिख रही है, और इसके साथ ही पीओ नेशनल पार्क और सिरबा नदियां दिख रही है। नाइजर इसके पास से हो, इस नाइजर भी इसमें आती है, नाइजर यहाँ से, नाइजर एक फेमस नदी कभी कभी पूछी भी जाती है। तो ये थे हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस, द हिंदू के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। गिव मी अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक इट, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डेली न्यूज एनालिसिस में। तब तक तैयारी करते रहिए।